हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स निकल चुके हैं, क्लास 10th 12th दोनों के, सीबीएसई के। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बच्चों का, उनको दोबारा से कंपार्ट लगा है, इसलिए ये मैटर कहीं ना कहीं अभी भी बचा हुआ है, बरकरार है। हालांकि ये अलग बात है कि पहले संख्या ज़्यादा थी, शायद इस वजह से बहुत सारे यूट्यूबर इसमें अभी भी लगे हुए थे। लेकिन हमारे पास में बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहा था, मेल्स आ रहा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा कि इसमें आपको और हेल्प की ज़रूरत है, तो हम हेल्प आपको ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने उठाया है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड, कि आप सेकंड आ गया है, दोबारा से आपका कंपार्ट आया है, तो उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा हम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे। तो आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक रहना है। पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बच्चों की तरफ से पूछा जा रहा है, जो पैनिक्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, पेरेंट्स का भी सवाल है कि सर दोबारा से कंपार्ट आया है, क्या दोबारा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना सही होगा या फिर सही होगा कि हम अपना बोर्ड चेंज कर लें, या फिर हम पूरा का पूरा सेशन को ड्रॉप कर दें, हम नया सेशन से फिर से अपेयर करें, क्या सही होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने कल परसों में आपको दिया था, आप फर्दर उसमें और डिटेल्स जाना चाहें तो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए अनअकैडमी चैंपियंस लीग। अगर आपका इंटरेस्ट है IIT JEE में या फिर नीट में, तो आपको हर संडे हो रहे इन फ्री वीकली टेस्ट में अपने आपको एनरोल करना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है और आपको मौका मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स जीतने का। टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरह से है, 25 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स, फाउंडेशन लेवल एग्जाम है, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगा। वो एक लर्नर जो सक्सेसफुली सबमिट करेंगे सभी चार टेस्ट को एक महीने के, वो जीत सकते हैं अमेजन वाउचर वर्थ ₹1000। तो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 18th अक्टूबर 1 बजे अपने आप को इस टेस्ट में, लाइव टेस्ट में अपने आप को एनरोल कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट 10 रैंक होल्डर्स को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ ₹10,000, 11 से 30th रैंक होल्डर्स को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ ₹5,000, और 31 से 50th रैंक वालों को मिलेंगे प्राइजेस वर्थ ₹3,000। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल राइट नाउ। यहां पे मैं इस बात पे डिस्कशन करूंगा अभी के इस वीडियो में कि सेकंड चांस कंपार्टमेंट का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो गाइज, पहले तो मैं ये बता दूं कि जहाँ तक आप लोगों का सवाल है कि सर कंपार्टमेंट आ गया है, दोबारा से कंपार्टमेंट आया, इनफैक्ट ठीक है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट नहीं है आप लोग का, ठीक है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है। तो सेकंड कंपार्टमेंट हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सीबीएसई कितने चांस देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये भी सवाल पूछा था कि रिड्यूस्ड सिलेबस का फायदा कंपार्टमेंट वाले बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका भी हम जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई जो है वो अपने स्टूडेंट्स को 3 कंपार्टमेंट एग्जाम लिखने का चांस देता है। अभी मैं कॉमन डेज की बात बता रहा हूँ, मार्च में लिखा जाता है, देन फिर जुलाई में लिखा जाता है, एंड अगर फिर कंपार्ट आ जाए तो फिर अगेन अगले साल मार्च में लिखा जाता है। तो ये 3 चांस मिलते हैं सीबीएसई की तरफ से। अब पॉइंट है कि पहले मैं आपको इस बात को उठा लेता हूँ कि सर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप लिखना चाहते हो कंपार्टमेंट, या पूरा सेशन को ड्रॉप करके फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप किसी बोर्ड को चेंज करना चाहते हो, या फिर आप NIS ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसके थ्रू से आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर। जहां तक सेकंड कंपार्टमेंट का चांस है, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लिखा कि सर हम लिखना चाहते हैं, तो अगर आप सेकंड कंपार्टमेंट में जाते भी हैं, मतलब जाना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। वाई गलती नहीं है? क्योंकि अभी आपको एक गैप भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम्स होंगे वो फरवरी मार्च से पहले, मतलब जब आप मेन एग्जाम जो होगा, देखो सेकंड एग्जाम कब हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, जो अभी वाले बच्चे जो मेन एग्जाम लिखेंगे उनके साथ में आप लिखेंगे, और आपका स्टेटस क्या रहेगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ही एग्जाम लिखिएगा, ठीक है, मतलब आप जब वहां एग्जाम आप अपेयर होइएगा तो वहां आपका लिखा रहेगा रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप जब जाते हो तो इस बीच में आपको लंबा गैप मिलता है,
तैयारी के लिए, ऑब्वियसली प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आप कोई बोर्ड चेंज करते हैं, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो बोर्ड है इसके थ्रू से भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका भी जो एग्जाम होगा मोर और लेस वो उसी आसपास में होगा। कोई अदर स्टेट बोर्ड में आप जंप करते हैं तो भी जो उसका टाइम स्पैन होगा वो यही होगा। तो ये अब आपको बहुत ध्यान से अपने पेरेंट्स से, टीचर से डिस्कशन करके ये फैसला लेना चाहिए कि आपको क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सेकंड चांस ले लें कंपार्टमेंट का, या बोर्ड चेंज करें, या फिर ड्रॉप करके नया सेशन ज्वाइन करें, पूरा सब्जेक्ट्स को साल भर दोबारा से पढ़ें, क्या करना चाहते हैं ये आपको मेरे ख्याल से लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट लिखना है बोर्ड एग्जाम, तो मेरे ख्याल से एक या दो के लिए मेरे ख्याल से आप एम्पल अमाउंट ऑफ आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। समय तो कुछ तो वेस्ट हुआ, ये तो वैसे भी होना ही होना है, अभी आपका जो समय बर्बाद होना है वो होना ही होना है, इसमें अभी आप कुछ नहीं कर सकते। सो अभी आप ये कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट थिंग, मतलब आप कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। अच्छा, थर्ड चांस कब होता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल था। तो गाइज, थर्ड चांस जो होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड चांस होता है एज ए प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में, ठीक है, आप मेन एग्जाम वाले बच्चों के साथ में लिखेंगे, ठीक है। और थर्ड चांस जो होता है, आप जब, अगर भगवान ना करे आपको सेकंड कंपार्टमेंट में भी फिर आपका किसी बच्चे का मार्क्स कम आया या फेल हो गए, ठीक है, कंपार्ट आ गया, तो फिर आपको थर्ड चांस जो मिलेगा वो आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आप नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे आप प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में। और जैसा मैंने टाइम स्पैन बताया, आप नॉर्मल डेज के रूप में समझ लीजिए, और क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, सारे सेशन 4-5 महीना पीछे चल रहे हैं, तो 4-5 नहीं उससे ज़्यादा ही, 6-7 महीना, तो उसी अकॉर्डिंग आप टाइम स्पैन को आप अपना ये कर लीजिए कि अभी आमतौर पे मार्च में मतलब उधर रिजल्ट निकलता है तो जुलाई में फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, मतलब सेकंड कंपार्टमेंट, ठीक है, इधर आपका, इधर पीछे फिर आपका मार्च में होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हैं कि अगर आपका थर्ड चांस किसी बच्चे का होता तो कहां होता। गाइज, आप लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिड्यूस्ड सिलेबस, सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है और 50% होने की बात चल रही है, तो इसका बेनिफिट कंपार्टमेंट वाले बच्चों को, सेकंड कंपार्टमेंट या थर्ड कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे लिख रहे हैं, खासतौर पे अभी हम सेकंड कंपार्टमेंट की बात करते हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तो आपको बता दूं गाइस कि पूरी तरह से आपको रिड्यूस्ड सिलेबस का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस समय जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा वो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के लिए अलग सेट किया जाए और जो बच्चे रेगुलर, जो बच्चे पहले से हैं उनका अलग से पेपर सेट हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको रिड्यूस सिलेबस का बेनिफिट पूरी तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज, हमने अभी आपको बताया कि आप अगर बोर्ड एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम अगर आप देना चाहते हो सेकंड चांस, तो आपके लिए कितना फायदेमंद आइडिया है या नहीं है, ये हमने आपको अभी डिस्क्राइब किया। आई होप कि ये जो इश्यू है आपको क्लियर हो गया। मेरा सजेशन है पूरी तरह से, आप अभी, आपके पास टाइम भी है, ठंडे दिमाग से आप सोच करके बैठो, सोचो समझो, अपने पेरेंट्स से, टीचर से डिस्कशन करो, ठीक है। मैंने आपको सभी रास्ते बताए, अब आपको क्या करना है। NIS में अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, उसके लिए हमने एक वीडियो दिया हुआ है, प्लीज़ हमारे चैनल के अंदर जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो NIS से करने से क्या होगा, ठीक है, और अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो हमने आपको अलग से बता रखा है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये, लेकिन फैसला तो हम नहीं ले सकते, फैसला लेना आप ही को पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में, कि सेकंड कंपार्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ, प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।